जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय सनातन। मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं। यदि किसी जातक के शनि पर्वत पर डॉट है, बिंदु का निशान है, तो वो क्या पाए करे। मेरे प्यारे मित्रों, बिंदु का निशान या डॉट का निशान कहीं पर भी अच्छा नहीं होता। ये शनि पर्वत देख रहे हो, शनि पर्वत पर बिंदु डॉट का निशान ये बुरा ही असर देगा, ये कदापि शुभ नहीं है। ऐसे जातकों का आर्थिक स्तर कैसा होगा, ऐसे जातकों की सेहत कैसी होगी, ऐसे जातकों की विवाहिक जिंदगी कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी आर्थिक स्थिति की। इन जातकों को जिंदगी में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। बहुत संघर्ष करने के बाद इनका भाग्य उदय होता है। बहुत संघर्ष, वो रुकावटें। अब इनकी नेचर, इनकी हेल्थ की बात करते हैं। जे लोग एकांकी प्रिय होते हैं, इंट्रोवर्ट, अपने आप में खोए रहने वाले होते हैं, उदासीन किस्म के, ये मानसिक रोगी हो सकते हैं। इन्हें डिप्रेशन के ट्रिगर्स हो सकते हैं, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन इनमें एक आम समस्या हो सकती है। इन्हें इम्यून सिस्टम से रिलेटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक, आईवीएस की प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सिरोसिस, जितनी भी डिजीज, रूमेटाइड अर्थराइटिस, जितनी भी बीमारियां जिनका रिलेशंस ऑटोइम्यून डिजीज से है उससे हो सकता है। इनको क्रोनिक डिजीज से जूझना पड़ता है, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, इस तरह की प्रॉब्लम से भी इनको जूझना पड़ सकता है। इनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। जब हम इनकी मैरिज लाइफ की बात करते हैं तो वो कई और फैक्टर भी देखे जाते हैं, विवाह रेखा देखी जाती है। इसके लिए आपने हार्ट लाइन देखनी है, विवाह रेखा भी देखनी है और भाग्य रेखा भी देख। तो वैसे तो ये विवाह इसका डॉट का वैवाहिक सुख के लिए भी प्रॉब्लम करता है। क्या करें, मैं अपने जातकों को फिर कहता हूं, शनि देव वृद्ध लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वृद्ध लोग जो हैं उनका उनके आशीर्वाद लें। डीप ऑफ द हार्ट, दिल की गहराइयों से उनका आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। शनि देव खुश होंगे, अपने माता पिता की सेवा करें, वृद्ध पुरुषों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। यही एकमात्र उपाय है जिससे शनिदेव को खुश किया जा सकता है। हमेशा सकारात्मक सोच रखें, संतुष्ट रहें, यही एकमात्र उपाय है जो मैंने अपने 40 साल के तजर्बे में सीखा है। धन्यवाद।